subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. कुल वैसे के वैसे तुम भी वैसी हो। अच्छा थोड़ी देर के लिए खामोशी से लेट जाओ। लेट मी नेबुलाइज यू। दैट्स इट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे स्टेरॉइड लगाओ। या तुम अभी स्टेरॉइड अवॉइड करते हो? थोड़ी देर के लिए खामोशी के साथ लेट जाओ। लेट मी ट्रीट यू। आज वैसे भी मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और तुम मेरी पेशेंट। प्लीज खामोशी के साथ लेटी रहो, हिलो जुलो मत ज्यादा। स्टाफ प्लीज जरा सा ट्रिप चेक करें। ये तुमने सारों को मेरे पीछे ढूंढने के लिए क्यों भगवा दिया? तो तुम जाओ अपनी सर्जरी करो, मैं अपना ट्रीटमेंट खुद कर लूंगी। यू आर द सेम ओल्ड कैट। एक तो वर्षों के बाद मिली हो और सारे हॉस्पिटल को पता लग गया कि मेरी एक पुरानी कलीग हॉस्पिटल में एडमिट है। कलीग? हारून हम सिर्फ कलीग्स थे क्या? लगते हैं मैं जूनियर्स। खामोशी के साथ लेटे रहो वरना। वरना क्या? वरना ट्रैंक्विलाइजर लगा दो। ट्रैंक्विलाइजर लगा दो? स्टेरॉइड तो डाला नहीं ड्रिप में, ट्रैंक्विलाइजर लगाओगे? स्टाफ ऐसा कीजिए, जो करना चाहती हैं करने दें, बल्कि इन्हें डिस्चार्ज स्लिप भी दे दें। मैं खुद भी जाना चाहती हूँ। पेन दीजिएगा प्लीज। लो मैं लिख देती हूँ। द टाइप शुड बी डिस्चार्ज्ड इमीडिएटली। ओके। ये तुम इतना फस क्यों क्रिएट कर रही हो? क्यों? Can I have some privacy, please? Yes, okay. I'm good, sir. तुमने ऐसे क्यों भेज दिया? रास्ते में कैसे हो? बात तखलीए की है। वजिया जिंदगी कोई अधूरा मिसरा नहीं है कि जिसके लिए मुनासिब मिसरे की तलाश में सारी उम्र गुजार दी जाए। क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि मैंने तुम्हारी केस फाइल पढ़ी है एंड यू आर स्टिल सिंगल। तुमने शादी क्यों नहीं की? दिस इज वेरी पर्सनल। हम दोनों ने तो ये डिसाइड किया था कि हम शादी कर लेंगे। मैंने तो शादी कर ली, लेकिन तुमने शादी क्यों नहीं की? मैं तुम्हारी बेटी से मिली हूँ। निर्मल नाम ही रखा है तुमने, याद है ना? तुमने कहा था अगर हमारी बेटी होगी तो, लेकिन हमारी शादी ही नहीं हो सकी। अब उन बातों को याद करने से क्या हासिल है बच्चिया? फौजिया कैसी है? हमारी फर्स्ट मीटिंग एनिवर्सरी पर ही तुमने शादी की थी ना? तुम्हें सब खबर? तुमसे पिछड़ने के बाद वक्त वहीं कहीं रह गया था। हम भी वहीं थे, बस फासला बढ़ गया। तुम दोनों खुश हो? अब हम दोनों नहीं तो मुख्तलिफ इकाइयां हैं। टू डिफरेंट आइडेंटिटीज। क्या मतलब? छोड़ो इन बातों को। ऐसी बात याद करने से दुखी होता है, क्या हासिल है इनसे? बिल्कुल बिल्कुल वही बातें। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। मैं बदलूं या ना बदलूं, लेकिन तुम यहां से उस वक्त तक नहीं जाओगी जब तक मेरे ऑर्डर्स नहीं होंगे, समझे? बाय। फिर ऑर्डर्स? बाय फॉरएवर।
बूढ़े हो गए हो लेकिन ऑर्डर्स देने का शौक नहीं गया तुम्हारा। कैसा लग रहा है आपको? क्वाइट बेटर। तो इतने खामोश क्यों हैं चेहरा? मुझे लग रहा है कि अब काफी अरसे के बाद हॉस्पिटल जा सकता है। अरे नहीं बाबा, अब बस 4 वीक के बाद, जस्ट 4 वीक। हाँ बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी तेज रफ्तार चीज को आहिस्ता आहिस्ता करके ब्रेक लगाया जाता है ताकि कहीं वो उलट ना जाए। बाबा जब आपको पता है हर चीज को फना होना ही है तो परेशानी किस बात की? नहीं नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि अब तुम जल्दी से हॉस्पिटल की जिम्मेदारियाँ संभाल लो। मैं तुम्हें एक जिम्मेदार शख्स देखना चाहता हूँ। बाबा उसी की तो कोशिश कर रहा हूँ। देखिए थोड़े अरसे डॉक्टर कुछिया को संभालने दें, उनको मैनेज करने दें, उसके बाद तो आप बस ठीक हो जाएं। आप ठीक हो जाएंगे तो सारा चार्ज मैं खुद ही ले लूँगा। बाबा ऐसा ना करें कि आपकी सेहत ठीक हो जाने के बाद हम रेल की किसी सफ़र पे चलें। हाँ बेटा, बाज सफ़र बहुत अजीब होते हैं, उनके स्टार्ट में भी एक्साइटमेंट होती है और एंड में भी एक्साइटमेंट होती है। बाबा आपसे एक बात करना थी। हाँ बेटा बोलो। बाबा डॉक्टर हारून के लिए स्टाफ और डॉक्टर्स अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। अच्छा कैसे? हाँ एक्चुअली डॉक्टर हारून पिछले दिनों कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते रहे, आपको तो पता ही है वो एक लड़का जो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिनके सबूत भी हैं हमारे पास। बच्चा मैं रोती नहीं हूं, तू बस चुप करके लेटा रहे, मेरी तरफ देख, तुझे डर लग रहा है? हाँ माँ डर लग रहा है। बस आज नहीं डरना, आज नहीं डरना, फिर उसके बाद तुझे कभी डर नहीं लगेगा। मैं आंखें बंद कर शाबाश। बच्चा है ना, तो मेरा बच्चा है छोटा सा। चुप कर ना।
बैठो। कोई है यार? ओ भाई कोई है यार? ये देखो क्या हो गया, ये बच्चों को क्या हो गया यार? ओ भाई उठो, ये कोई है भाई? ये देख रहे से देखने को जिया रात थर से रे थर नैना बड़े बेईमान रे थर नैना रे सड़के जाऊं थर नैना बड़े बेईमान रे थर नैना। हाँ भैया जू, क्या हालत रे? अल्लाह का बड़ा शुक्र है भाई, मौजे ही मौजे। ओए लानत पे हेजेस कम थे, तुझे कुछ खबर है? रानी का कोई अता कोई पता? वो दिन चढ़ गया थे, खबरें किधरे होएगी? उसके मापियों के पास भी गया कि नहीं गया तू? मापियों के पास भी गया है कि नहीं तू? वो क्यों जाऊं? मैंने थरे से पहले कहा था कि औरत के चाल चलन ठीक नहीं है, मैं किसी के साथ नस गई होगी। बकवास ना कर, तेरे बच्चियां की माँ है वो, कमा कमा के लाती थी और तुझे खिलाती थी। ओए ओ वेला भूल गया तू? वो मैंने तेरे से पहले कहा था कि मुझे वो वक्त याद है, पर बात यह है मैंने उससे कहा था कि मेरे रिया के मामले में मत बोल, पर उसने सियाबा डाल दिया, उसने अपनी टांग फंसा दी। अज्जू हुण भी टाइम है यार, जा जाके उसे लब। वो मैं कहा उसको लबू, जाके उसे लब। वो बात ये है कि ये जुलेखा है ना, ये बहुत अच्छी है, मारे को बड़ी पसंद है, बड़ी खिदमत गुजार है। अज्जू ना कर यार, ना कर, सारी जिंदगी पछताएगा, ना कर। वो क्या पछताऊंगा हैं? वो तू चल भाग उठ, आ गया मोटा यहाँ बैठ गया आके बैसा, जा जाए यहाँ से दफा हो जा। वो थारे को पता है कि मैं गुस्से का बहुत तेज हूँ। वो तू मेरा कैसा दोस्त है? तू मेरी खुशी में खुश है या मेरे गम में खुश है? और मुझे ये नसीहत करने वाले जो है ना, वो पसंद नहीं है, चल जा। अज्जू मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था, अगे तेरी मर्जी भाई। भले भले काय का भला, कोई भला वाला नहीं है, तो जा अपना काम कर। अच्छा ठहर जा। वो जुलेखा, वो देख पेट में चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, रोटी पका ले। वो ये हमारा दोस्त जो है चीख रहा है कौवे की तरह, कहाँ है कर रहा है ये, इसको ही भूख लग रही है। ओ भाई बड़ा जोर की खाना बना रहे तेरी बाबी, सबर तो करते हैं। डॉक्टर मायर बहुत ब्लीडिंग हो रही है, शी इज अनकॉन्शियस, हर ब्लड प्रूफ से भी पॉजिटिव, इट्स एमग्राम्स यू अरे टू पॉइंट्स प्लीज इमीडिएटली। टेस्ट डोज दिया है डॉक्टर कुत्सिया? वो डॉक्टर दानियाल आई एम आस्किंग यू, आपने टेस्ट डोज दिया है डॉक्टर कुत्सिया? वो एक्चुअली हॉस्पिटल में कोई दवाइयाँ नहीं है, देयर नो लाइफ सेविंग ड्रग्स। आप फिर आ गए, आपसे कहा है ना बाहर इंतजार कीजिए, ये प्रोसीजर रूम है। क्या प्रोसीजर करेंगे आप लोग? आपके हॉस्पिटल में लाइफ सेविंग ड्रग्स तक तो है नहीं। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, वी ट्रेकिंग फॉर, आप प्लीज़ बाहर इंतजार कीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अखबारी रिपोर्टर हूँ, मुझे सब कुछ पता है, इस तरह से इलाज वलाज नहीं होता। देखिए सुने प्लीज, आप इस वक्त बाहर इंतजार करें, आपके शोर मचाने से नुकसान सिर्फ मरीज का होगा, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। देखिए मैं बड़ी मुश्किल से इसे बचा के लाया हूँ, मैं इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। आप बिल्कुल सही
कह रहे हैं लेकिन लेट अस डू आवर जॉब प्लीज आप बाहर यू बेटर डू बाहर इंतजार कीजिए प्लीज क्या कह रहा था याद है बस क्या है गुच्छिया एक्चुअली ये रिपोर्टर है और इस औरत को खुशी करने से बचाकर यही यहाँ पर लाया है इसके तीन बच्चे भी थे डॉक्टर एक्चुअली हॉस्पिटल में कोई ड्रग्स नहीं है देयर नो लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द हॉस्पिटल आर यू इन योर सेंसेस हाउ इज दैट पॉसिबल वो किसी ने सारी ड्रग्स डॉक्टर कुत्सिया ब्लड का इंतजाम हो गया है ठीक है एनीवे आप फौरन जाके फार्मेसी से जाके मेडिसिंस लेकर आएं अरेंज करें इमीडिएटली वी विल डिस्कस दिस इशू लेटर वो सारी मिट्टी उड़ा दी हाँ जी अच्छा भैया जो हाँ जी मैं चला पर मुझे एक बात तो बता पूछ भाई अब कोई कम शम भी करेगा या नहीं कोई मजदूरी करेगा वो काय की बरकत होएगी है जो मैं ना काम करूँ तो फिर की मैं तो ऐसे ही ऐसे ही कह रहा था वो काम मैंने करना है नौकरी मैंने करनी है घर का मसला मेरा है तेरा क्या मसला है जो तू खामा खा के लिए परेशान है ओए बेगैरत ओए तू मुझ पे शक कर रहा है पे इल्जाम लगा रहा है ओए है ओ मैं जा रहा हूँ अच्छा जा ऐसे ही बोलता रहता है खामा खा के लिए जा रहा हूँ रोटी खा ली 6-7 और ऊपर से लड़ झगड़ा जा रहा है पागल ना हो तो मोटा अब क्या हाँ जी अजी तुम ये टमाटर की काटने में लगी रहोगी जरा इधर आओ मेरी बात सुनो खड़ी हो जाओ जरा सौर की खिदमत भी जरूरी है चलो इधर आओ चलो सालास इधर जाओ अब क्या ये तुझे खिलाऊंगा रोटी मोटे When she's better, we'll consider craniotomy. Right. But doctor, ये खुद में खुद भी तो सब्जी हो सकता है हाँ लेकिन सी टी स्कैन के बाद ही तो पता चलेगा whether it's subdural or epidural. Right. काम करें डॉक्टर मायरा इंश्योर कि इनको आई सी यू में ही शिफ्ट किया जाए बिकॉज शी नीड्स कॉन्स्टेंट केयर और आई सी फ्रंटल लोब पे ना आई सी पी के साइंस भी चेक कीजिएगा ठीक है लाइक वेल इट कुड बी हेमिपोरेसिस सीजर्स ऑल्सो मेमरी लॉस सो जस्ट कीप योर आईज ओपन फॉर दैट काइंड ऑफ साइन ठीक है ना कैन यू प्लीज कंप्लीट दिस यस हम सर कुत्ते मैं यही आपको बताना चाह रहा था लेकिन यहाँ नहीं वो एक्चुअली बहुत सीनियर डॉक्टर इन्वॉल्व्ड हैं कुत्ते स्टाफ अमरीन ने ये सब कुछ डॉक्टर हारून के कहने पर किया आउट ऑफ द क्वेश्चन डॉक्टर हारून ने सरा का काम मैंने डॉक्टर अहमद को फ़ोन कर दिया वो आने ही वाला है बट इट्स लॉजिकल बात है कि डॉक्टर हारून पे इल्ज़ाम लगा रही है वो एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब जी क्या हुआ इस पेशेंट कुछ नहीं हुआ शी इज़ फाइन शुक्र मगर डॉक्टर साहब ये आपके हॉस्पिटल में ये किस किस्म की बदनामी है एक्सक्यूज मी आप एक रिपोर्टर आप लोगों को तो मौका चाहिए होता है देखिए ये हॉस्पिटल है यहाँ पे दवाइयाँ कम हो सकती हैं इसमें ऐसी कोई मसले की बात नहीं है ठीक है डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि कब तक ठीक हो जाएगी वेल इट्स अ हेड इंजरी अभी हम आपको कुछ बता नहीं सकते लेकिन इफ़ यू रियली वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ यूजफुल आप प्लीज़ ये तो पता करें ये औरत कौन है कहाँ से आई है इसके आगे पीछे कोई है यहाँ कोई पूछने आ सकता है इसको Thank you. I'll do that. Okay? जी. But make sure के ये सही. Of course.
इसका हल्का ही रहने दे, लो हल्की रहने दे इसकी। देखो आ जा हमारे कने, हर वक्त दिया सलाई के मूड में रहे। हाँ जी राजू। हाँ जी। ते मैंने एक बात तो बताओ। पूछ। ते मैंने छोड़ तो ना देविका। वो ते पागल हो गई है, बावली हो गई है वो। मैं तेरे को छोड़ के कहाँ जाऊंगा? वापस आ गई ते। वो रानी रानी रानी, वो रानी को मैंने हमेशा अपने दिमाग से पुटपुड़ी से निकाल दिया है। भूल गया रानी को, हमेशा के लिए मर गई मेरे लिए। हाँ बस एक बात और बता मेरे को। हाँ बोल। हम अपने बच्चों को तालीम तो दिलवाएंगे ना? वो जुलेखा, ये जो गरीबों के पक्षीवास बच्चे हो मैं ना, हाय पक्षीवास हो गए बच्चे भी पक्षीवास। ये पढ़ लिख के बापू नहीं बन जाते? अपने रमजू की तरह फाले निकाल लेंगे। हाँ फाले। पर वो तू परवर के चक्कर में कहाँ पड़ गई है? हमारी तो तुझे फिक्र ही नहीं, जरा हमारे करीब तो हो जा। यो शर्मा है मत, और कने को हो जा बताओ। हाँ कहाँ गायब थे? कौन निर्मल? अंकल कैसे? माशाल्लाह बहुत बहुत। अहमद तुम्हें एक मशवरा देना था डॉक्टर कुत्सिया के बारे में। क्या बोल रहा है बोलो। अहमद मैं पापा को गलत समझ आई थी, मुझे अब पता चला है कि वो कितने मुश्किल में है। अहमद इस वक्त उनको अपने जिंदगी के बारे में बहुत अहम करने हैं, और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर कुत्सिया से दूर रहे, वो उनको किसी तरह से इन्फ्लुएंस ना कर दे। तुम डॉक्टर कुत्सिया को फायर कर देते? हाँ हाँ ठीक।
बीबी बीबी मेरी बात सुन। ये ले लो। बच्चों को खेल रही हूँ, वो भूखे रहेंगे ना। मैं जाऊँ? नहीं तुम नहीं जाओ, तुम करो, बच्चे आ जाएंगे, ये खा लो ना। लगता है इनका भी इलाज करना पड़ेगा। एक काम, वो फॉर्मरीन है ना। जी सर, जरा उसको बुला लें। जू हाँ जी, जुत्ती नवी ले सोने दी है। जो तेरे को मारी भट्टी कर रहे है भाई, बात ये है नवी जुत्ती थोरों नहीं लेके देनी होवे है, वो देख पक्के फर्श पे चले चल के जुत्ती गिर जावे, जब जुत्ती गिर जावे तो फिर नई जुत्ती तो लेनी पड़ती है। जू तुझे मालूम है पर तेरी पुरानी जुगियों पे कब्जा हो गया है। हो जाए मारे को, तेरे को पता नहीं है वहां पे प्लाजा बनने वाला है बहुत बड़ा, पुलिस जो है ना इन सबको पकड़ ले जाएगी, देख लियो। तू सब कुछ इसी तरह लुटने दे। वो कैसे लुटने दूंगा, लुटने दूंगा? अल्लाह मियां रहने को दे दिया, शीश मिल दिया है जी, खाने को दो वक्त की रोटी इज्जत से मिल जावे, पीने को वो भी मिल जावे, अल्लाह का सब कुछ मेरे। हाँ यार अज्जू, तू तो बहुत कमीना इंसान है भाई। वो तो ये तो भाई पुरानी वो हमारी सिद्धि आ रही है, वो ये तो पुरानी बात है, कोई नई बात का। पानी है ना, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है चलने के लिए। हाँ कैसा है रमजू? ठीक ही हूँ भाभी। आजा जुलेखा, वो आजा हमारे खड़े। रा तो सब की फाल निकाले है, कभी मारी भी तो निकाल। वो तेरी फाल तो मैं हूँ, मारी फाल निकाल। वो तो है। हाँ
आपसे कह रहा हूँ, जरा बाहर आइएगा। आ रहा हूँ। जा भाई देख, मैं देखता हूँ। कौन आया है? मुझे लग रहा है कुछ जाली फार्म करवा के ना हमें बेवकूफ बनाने के लिए आया। और कुछ नहीं। सलाम। हाँ जी, क्या लाइयो खाने को? तुम तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे? किससे सारी चीजें घर ले जाने क्या वजह है? किसके कहने किया तुमने ऐसा? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं। सर, आपने कहा था कि फाइल्स और मेडिसिंस में ले जाऊं। व्हाट? मेरे कहने पर? झूठ क्यों कह रहे हैं आप? डॉक्टर प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रही। डॉक्टर हारून ने कहा था जब वक्त आएगा तो चीजें ले लेंगे और मैं चाहूं तो मेडिसिंस बेच दूं। I don't know why she is lying. What's going on here? तुम्हें याद है? जी सर, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगी। ताले की चाबी के पास थी, उन्होंने मुझे दी थी। आपको अंदाजा भी है इल्जाम लगा रही है? डॉक्टर आप जो चाहे काम ले लें, हम मजबूर लोग हैं, जो ये बड़े लोग की बात मानना होती है। आप जाइए, आपसे बाद में बात करेंगे। जाइए। आप बताइए क्या करना? चार्ज तो आप ही। क्या मतलब है आपका? क्या करना है? ये औरत सर झूठ बोल रही है। ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर हारून इससे ऐसी बात कहे? आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट। अगर कोई डिसीजन ले भी है, आप और डॉक्टर हमाद ले। आई डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद दिस। बाबा भी बहुत अपसेट है इस सारे सिलसिले की वजह से। बहुत यकीन था उन्हें डॉक्टर हारून। कुछ और की जरूरत है डॉक्टर? कुछ आप भी प्लीज टॉपिक पे मजे गुफ्तगू मत कीजिए प्लीज। मैं चाहता हूँ मुझे क्या करना है। नहीं नहीं डॉक्टर प्लीज, आपके रेजिग्नेशन के बारे में ना तो मैं सोच सकता हूँ और ना ही। थैंक यू वेरी मच। जा रहा हूँ मैं, कल से इस टॉपिक पे बात करूंगा। सर प्लीज, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे जाना है। सब कुछ क्या हो रहा है? मेरी तो खुद समझ में आ रही है सब कुछ क्या। सोचा मैंने आप रानी के बाप के कहने जाए, उनसे बात करें। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तू भी साथ चलते तो अच्छा होता। ना जी, ये तारे साथ क्यों जाएगा? ये मारा मर्द है, ये तारे साथ नहीं जाएगा। ए अज्जू, तू भी सुन ले, अगर तू इसी के साथ गयो ना तो मैं भी ट्रेन के नीचे आके ना जान दे दूंगी। हाँ और नहीं नहीं, रोने धोने की जरूरत नहीं, तुझे खुदकुशी करने की जरूरत नहीं। मैं तेरा हूँ, तेरे ही रहूँ। बाबूजी आप जहाँ घर ना बर्बाद करने की कोशिश कर। हाँ जी। ओए अज्जू, बाजू क्या कह रहा है तू? वो तेरी बीवी है, वो तेरा बाजू है। बाजू तेरे बीच में हकीम बनने की कोशिश ना कर। सुनो सुनो, देखो बाजू ठीक कह रहा है, अगर तुम साथ चले चलोगे तो शायद वो जिंदगी जंग लड़ने में कामयाब हो जाए। वो भाई बात ही है, उसने जिंदगी की जंग लड़ ली, अब उसको हारी जाना चाहिए। जू निकाल इसको से बाहर। देखो जी, प्रतीक जानवर की तरह होता है और जिस खुट्टा मजबूत हो उसको बांध ली।
सकती है और रानी जू को नहीं बांध सकी। वो आप जाओ जी जाओ, को माफ करो जाओ। यार तेरी गाल सुन, ओ तह चुप कर, खामा खा के लिए बोल पड़े हमारे घर बस हो गई बस। ठीक है ठीक है, निकल यहां से बाबू, हमारा मेहमान आया हुआ है। मेहमाने हमारा मेहमान है, तू ख्याल कर, तू आए का ख्याल करूं, तू बड़ा काम कर, चल आया बड़ा मेहमान है, मेहमान है, आ जा मैं बातें मिलाने के लिए। हाँ जी बैठो जी। बहुत अरे मैं जी कार में था, वो चेहरी मजदूरी कर गई तो अरे को पता है यार, अरे को नहीं पता किसी सब पता है यार मुझे, वो रहने दे। हाँ भाई आ गई थे। हाँ नसीब में लिखा था ना। अरे बैठ जा, वो देख मेरी बात सुन, मेरे सामने आया कर, मुंह को ठीक ठाक करके कर, ये मुंह बना के ना आया कर, ऐसा मुंह करूंगा कि जमाने से लूटती फिरेगी तू अपना मुंह। हाँ कर यार अज्जू बस कर, संभाल इसे, मेरे तो नसीब ही खराब है, तेरे साथ हूँ ना जब से, मुंह को को के ही फिरती। तै बकवास कर, ये बता पैसे लगे नहीं? नहीं मिले। नहीं मिले क्या? देने को नहीं चाह रहा? जो तेरी मर्जी है समझ ले, मेरे पास अब पैसे नहीं है तेरे वास्ते। अज्जू बच्चे हैं तेरे, कुड़े मकोड़े नहीं है, तो बंदा जनावर की भी देखता है ना, तो ख्याल करता है, थोड़ी हया कर ले। वो मेरे को कह रही है कर, तो मैं खत्म करके छोड़ू, ले मैं बता रहा हूँ। ओ रहने दे रहने दे, ओ मेरे नशे का टाइम हो रहा है, तेरी बकवास का टाइम हो रहा है, तेरा तो हर वक्त नशे का वक्त होता है ना। मेरे प्यार मोहब्बत तेरे को सर पे चढ़ा दी, तुझे ठीक कर दूंगा। ना तो क्या कर, तेरा दूसरा ब्याह होने की खुशी मनाऊं? ये बच्चे हैं तेरे तीन छोटे छोटे, कुछ इन्हीं का ख्याल कर ले। रब जाए तू ही समझा इसे, न जाने उस डैड क्या जादू कर दिया इसके ऊपर। वो देख लिया, वो तेने उसको डैड कह दिया, वो छोड़ देता है मेरे को, वो मैं कुछ और ना डाल को है डाल कर चार चार शादी करे लोग, मेरी दूसरी शादी पे तेरे को इतराज है, दूसरी शादी पे तेरे जान से खत्म दूंगा तुम्हें। ये लोग काम क्या करते हैं? बस जी सब एक ही काम करते हैं, कोई कचरा चुनता है तो कोई सफाई करता है, बस जी यही छोटे मोटे काम। अच्छा चलो चलो। हाँ हॉस्पिटल के बारे में मैंने तो सोचना भी छोड़ दिया है, अहमद ही है जो अब सारे फैसले करेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक हूँ मैं अब बेहतर हूँ। ओके ओके खुदा हाफिज़। हेलो पापा। हेलो जानी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे? फर्स्ट क्लास। क्या हुआ तुम्हारे मामले का? कौन से वाले? वो डॉक्टर हारून वाला। हाँ बाबा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर हारून से कैसे कहूँ कि वो हॉस्पिटल छोड़ के जाए। नहीं नहीं, जब तुम यहाँ नहीं थे तो डॉक्टर हारून ने मेरा बड़ा साथ दिया है, और मेरा ख्याल कि डॉक्टर हारून ने अभी है। यही तो आप नहीं समझते, ये उनकी चलाकी थी। बहरहाल जो भी है, डॉक्टर कुत्सिया का मसला है वो खुद ही हल करेंगे। ये डॉक्टर कुत्सिया कुछ ज़्यादा ही सिलसिला नहीं हो गया क्या तुम अभी तक?
नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आओ आप ये बताएं कि आप दिन भर क्या करते रहे। कुछ नहीं यार, बस अपने अंदर के रास्ते जो थे उन्हें तलाश करता रहा। बाबा क्या है। अच्छा ये बताएं मेडिसिन ली थी आपने। हाँ मेडिसिन ली थी। वैसे हैरानगी की बात है कि मेरे हॉस्पिटल में भी कभी मेडिसिन शॉर्ट नहीं हुई। अच्छा छोड़े ना, चलें वॉक करने चलते हैं। अभी तो फिर कभी नहीं, किसी वक्त भी हो सकती है वॉक, तो चलें। एक मिनट मैं जाता हूँ। हेलो। हाँ नहीं देखो इस वक्त मामला बहुत सीरियस है, इसलिए तुम जरा साइड पे हो जाओ। हाँ मैं संभाल लूँगा, डॉक्टर हारून से निमटना है वो मैं निमट ही लूँगा। ठीक है हाँ तुम साइड पे रहना। ओके बाय। देखिए बाबू जी, रानी को इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार आप दोनों भी हैं। वो क्यों जी, हमने कहा था ट्रेन के आगे आ जा, और जब वो आ ही गई थी तो जन्म ही मर ही जाती। मत बोल रानी के अब्बा ऐसे, मेरी लाडो पली छोड़ी है। मेरी वो सब मत बोला कर तू उसको। देखिए माँ जी, अगर आप उन दोनों से बात कर लेती तो शायद ये मामला खत्म हो जाता। समझाया था मैंने उसे, यहाँ आई थी, मैंने बोला था उससे कि तू चली जाए यहाँ से। मर्द से क्या रिश्ता है, क्या भरोसा है मर्द का। अरे ये तो भूखा है, भूखा, इसे बहुत भूख लगती है। जब तक इसकी भूख मिटती रहेगी ये साथ देगा, पर वो सुनते ही किसकी है। उससे कहने लगी मैं कल जी लूंगी, जी लिया। बाबू जी अल्लाह का वास्ते आप जाओ, हमको हमारे हाल पे छोड़ दो। हमारे बच्चे तो फुटपाथ पे ही जन्म लेवे और किसी हादसे में मर भी जावे, और कुछ नहीं कुछ नहीं तो कोई बीमारी गर्दन गिर हो जावे। आप उसको ले जाके किसी पागल खाने में भर्ती करा दो। ये आप क्या कह रहे हैं, रानी हॉस्पिटल में है, उसका इलाज हो रहा है, हम उसे कहीं कैसे लेके जा सकते हैं। फिर इलाज होके फिर क्या करेगी वो, मैं कह रहा हूँ उसे पागल ही रहने दो। कैसी बातें कर रहा है रानी के अब्बा, कितना जालिम है तू। अरे तू भी अज्जू की तरह हो जाएगा तो फिर मैं चलती हूँ आपके साथ। किधर है मेरी बेटी, मिला दो मेरी बेटी। ओ भगवान कुछ सोच ले, चुपचाप बैठी रहे, कौन कमावेगा कौन खिलावेगा उसे। अरे क्या हो गया रानी के अब्बा तुझे, अगर तू रानी के बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ले लेता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरे दोनों बच्चे को मारा है तूने, बहुत मारा है। अच्छा और माँ जी बस आप रोए मत, मैं लेके चलता हूँ आपको उसके पास। चले मैं आए, रोए मत आए मेरे साथ, आइए मैं लेके चलता हूँ। हमें ये भी तो नहीं पता ये कौन है, कहाँ से आई है। जब इंसान खाली हो जाता है ना, इधर उधर अपने आप को ढूंढता है। शी हैज शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, एमनीजिया, और उसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल शॉक भी है। सैड, लेकिन ये कब आएगी शॉक से बाहर, कुछ कह नहीं सकते।
उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी निकल आए। We don't even know whose fault it is. हम इल्जाम किस पे लगा सकते हैं? इल्जाम? इल्जाम किसको देना है? इंसान को खुद जीना होता है, जीने की कोशिश करनी होती है, वरना तो रास्ता और कठिन हो जाएगा। क्या कर लिया तने? तेरा बाप, तेरा बाबा तुझे लेने आया। चलो घर चले। देखा डॉक्टर कुत्सिया, मैंने अपना वादा पूरा किया। इस औरत का नाम रानी है और ये दोनों इसके माँ बाप। रानी अपनी माँ से भी नहीं बोलेगी क्या? बोल बेटा बोल। टेंशन चले। हाँ तुझे ट्यूशन में ले जाऊंगा, मेरे घर चले। मैंने ट्यूशन जाना। चल मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे ना, मुझे ट्यूशन ले चलो। इस शो के नाम हम जितना कर सकते थे हमने कर लिया। चल बेटा चल, मुझे ट्यूशन जाना। हाँ ले चलेंगे तुझे ट्यूशन। आ जा आ जा मेरा बच्चा। हाँ आ जा। चलो घर चले पहले। मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं ना। आजा मेरा बच्चा आजा। हेलो सर। हेलो डॉक्टर। हाँ भैया। आई एम फाइन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे डॉक्टर? बस सर। सर मैं आपसे एक बात करनी चाह रहा था। मुझे भी आपसे एक बात करनी है डॉक्टर। सर हम में से किसी को भी आपकी सर्विसेज से कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर मगर अब मैं अपने सर्विसेज इस हॉस्पिटल के लिए शायद मजीद कंटिन्यू ना कर सकूँ। डॉक्टर मैंने हमेशा अपने पेशेंट्स और अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटी दी है, और इंसान जहाँ इबादत करता है वो आम जगह नहीं होती बल्कि इबादत का होती है। मैंने अपने प्रोफेशन को हमेशा इबादत ही समझा है। एनीवे डॉक्टर कुसिया, आप प्लीज़ मेरा रिजिग्नेशन डॉक्टर हमाद को पहुँचा।